जी तो रिएक्ट और नोड.js सर्वर क्लाइंट प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, टू रखते हैं इस दोनों फोल्डर को, टू टू फोल्डर के अंदर। तो ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर, इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट में आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन आ जाएगी, सीएमडी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और सर्वर में आपके पास इसको भी सीएमडी npm init। ओके, पैकेज नेम सर्वर सिन 1.0 डिस्क्रिप्शन 22 ऐप सर्वर कह दें, एंट्री पॉइंट index.js टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं, डिपॉजिटरी भी कुछ नहीं, कीवर्ड्स भी कुछ नहीं, लाइसेंस ओके यस जी। तो ये हमारी package.json की फाइल आ गई। शो मोर ऑप्शन ओपन विद कोड जी। इस तरह हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी मेन फाइल जो कौन सी होती है, शुरू में आप जब सलानी में आए थे index.html, और जावास्क्रिप्ट में हमारी क्या होती है index.js जी। तो कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइब्रेरी आपके पास npm आई एक्सप्रेस लाइब्रेरी, और MongoDB कनेक्ट करने के लिए आपके पास मंगूज, और आपके पास उस पर बाद में आते हैं, अभी ये आप ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें। ओके, MongoDB की वेबसाइट पे आके आप लोगों ने उस पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है, साइनअप करने के बाद लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम टूडू, नेक्स्ट, ओके, गिव योर मेंबर्स एक्सेस परमिशन बिलो। तो ये मेरी ईमेल, प्रोजेक्ट ओनर क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप लोग इनवाइट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग यूजर्स को जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा इस MongoDB के प्लेटफॉर्म पे। Firebase में ये यूनिवर्सल है, इसमें तो हमें कोड तो करना पड़ता ही नहीं है, React Native में या React में हमें कोड तो करना पड़ ही नहीं रहा है। ये तो सर्वर एक बिल्कुल सेपरेट है, क्लाइंट आपका हमेशा सेपरेट होगा, सर्वर आपका सेपरेट होगा, हम सिर्फ और सिर्फ API की मदद से API को कॉल करते हैं, API कॉल करके डाटा भेजेंगे या गेट करेंगे जो भी करना। ओके, डेटाबेस को बिल्ड कर लें, बिल्ड अ डेटाबेस, ओके जी, फ्री प्रोवाइडर AWS, गूगल क्लाउड, जो भी करना गूगल क्लाउड कर लें बेशक। ओके, आप हमारे करीब जो है पाकिस्तान में कौन सा पड़ रहा है, एशिया साउथ मान मुंबई, क्लस्टर 0 नेम कोई भी दे सकते हैं, क्लस्टर ही रहने दें, क्रिएट जी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम आप शर्त रख दें मेयर, पासवर्ड रख देते हैं पासवर्ड 123 क्रिएट यूजर। ओके जी, आपके पास माई लोकल इन्वायरमेंट, और आपके पास अगर इसको एडिट किया जाए, चलें इसको बाद में देखेंगे, ये आप 0.0 ताकि हम कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते होंगे। अभी क्या है, इसका ये मतलब है कि ये जो डेटाबेस है ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते होंगे। अगर यही आप लोग अपना कोड उठा के घर में जाके ट्राई करने लगे, फॉर एग्जांपल लैपटॉप भी यही है, सब कुछ यही है, आप लोग अपने घर में जाके अगर ट्राई करने लगे कि इस डाटा को एक्सेस करना है, तो वह डाटा नहीं आप गेट कर सकते होंगे नेटवर्क एरर की वजह से, क्योंकि ये IP चेंज हो जाएगी आपकी।
अब ये सिर्फ सिर्फ यहाँ पे ही आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आईपी सेम नहीं होता, आईपी एक हर सिस्टम को अलग मिलता है। सेम अगर आईपी मिल जाए तो नेटवर्क नहीं चलता। पब्लिक सेम है, ये आपका लोकल है, ये प्राइवेट है ना, ये लोकल एनवायरनमेंट है। ओके, फिनिश एंड क्लोज, हाइड कर दें, गो टू डेटाबेसेस। ओके, डेटाबेस आपकी बन चुकी है। कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आप लोग कंपस के साथ इसको करना चाहते हैं तो कंपस। ओके, आई डोंट हैव MongoDB कंपस, अभी इस सिस्टम में मौजूद नहीं है, तो इस सिस्टम में करने के लिए आपके पास विंडोज 64-bit 7+ डाउनलोड। जी, तो ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। जी, इसके बाद आई हैव MongoDB कंपस और चूज योर वर्जन, लेटेस्ट ही हमने किया है। कॉपी दी कनेक्शन स्ट्रिंग देन ओपन MongoDB कंपस, तो इसको कॉपी कर लें और ये जब इंस्टॉल हो जाए। जी, इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल। स्टार्ट, और यहाँ पे आप लोग उस लिंक को पेस्ट कर दें, तो ये आपका यूज़र नेम और इसका आप लोग पासवर्ड पास करेंगे। इस पासवर्ड में आप लोगों के पास जो लेफ्ट एंगल और राइट एंगल ब्रैकेट है इसको भी ख़त्म करेंगे, तो इससे आप लोग पासवर्ड 123 रखा था हमने। कनेक्ट, ओके, ये आपका कनेक्ट हो गया। डेटाबेसेस रिफ्रेश, फ्री में आपको यही मिलता है, फ्री में आपको यही मिलता है। अगर आप एक से ज़्यादा चाहते हैं फिर आपको पे करना पड़ेगा। डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट स्टोरेज मिल जाते हैं। जी, डिफरेंट स्टोरेज वगैरह मोस्टली रिक्वायर होते हैं। फायरबेस में भी ये आपके पास है, आप लोगों के पास स्टोरेज में आपको एक ही चीज़ मिलती है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए सेम प्रोजेक्ट में तो फिर आप पे करेंगे। ओके जी, डेटाबेस आपके पास क्रॉस कलेक्शंस, यहाँ पे एक डेटाबेस आपके पास, डेटाबेस का नेम टू डू, कलेक्शन नेम आपके पास टू डूस, क्रिएट डेटाबेस। ओके, कनेक्शन एट क्लोज्ड, कैंसल। अच्छा जी, हमारी रिजेक्ट की ऐप आ गई। टू डू क्लाइंट में जाके टू डू इस सारे कोड को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और ये टू डू फोल्डर को डिलीट कर दें, तो ये आपकी रिजेक्ट की एप्लीकेशन। क्लाइंट को ये चीज़ नज़र आएगी और सर्वर जो आपका होगा वो सर्वर बैकएंड पे ये चल रहा होगा।
डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, टू-डू कलेक्शन नेम, टू-डूज, क्रिएट डेटाबेस। जी तो ये आपके पास कलेक्शन टू-डूज, जी इसमें अगर आप लोग डाटा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड डाटा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, आईडी, और टू डू का टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, आपके पास टू डू डिस्क्रिप्शन, इंसर्ट, इसको डिस्कनेक्ट करके नेटवर्क एक्सेस एडिट अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर दें, कंफर्म। ओके जी एक्टिव, और अब इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट। जी ये कनेक्ट हो गया, डाटा आपके पास टू डूज, टू डूज में ऐड डाटा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ये सारा डाटा हमने कॉपी कर लिया था, इंसर्ट, अब ये इंसर्ट हो गया। जी बाकी डाटा नहीं आया जी, डिलीट एड डाटा, जी आईडी के अंदर, अच्छा आईडी के अंदर हमने कर दिया था इसको, फिर बाहर लिया है, ये आपके पास आईडी, टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, और यही डाटा आपको यहाँ पे भी हम नज़र आना चाहिए। डेटाबेसेस, ओके जी ये आपका रीड और राइट, ब्राउज कलेक्शंस, ये आपके पास टू डू, और ये आपके पास टू डूज आ गए। ठीक है ये तो आपका हो गया, अब आ जाते हैं सर्वर पे। सर्वर के लिए आपके पास const express equal to require express, const app equal to एक्सप्रेस, और इस एक्सप्रेस की जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी ऐप में आ गई। ऐप डॉट लिसन, सर्वर को लिसन करो, और लिसन करना किस पे है, पोर्ट, और कंसोल is running
इक्वल टू 8000। सेव करें। अच्छा अच्छा आपके पास node index.js, तो सर्वर इज रनिंग परफेक्टली ऑन पोर्ट 8000। अब आप कुछ भी चेंज करते हैं, सेव करें, तो आपको क्या होगा, दोबारा से सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो सर्वर को रन करने के लिए आपके पास node index.js, तो सर्वर इज रनिंग परफेक्टली ऑन लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बजाय इसके कि बार बार सर्वर को रीस्टार्ट किया जाए, तो सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें कोड लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, npm i node mon लाइब्रेरी। ओके, अब हमने क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन में जाके यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में टेस्ट इसके साथ स्टार्ट node mon index.js। अब जब भी हम npm start लिखेंगे तो npm start से क्या होगा, ये वाली कमांड चलेगी, ये रन होगा, तो npm सेव कर लें, npm start, तो ये देखें node mon की मदद से ये चल रहा है। अब हमने क्या करना है, index.js में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 8000 की जगह आप इसको 6000 कह दें, सेव करें, सर्वर इज रनिंग परफेक्टली ऑन पोर्ट 8000। अब ये 8000 पे ही चल रहा है और ये आपका 8000। जी इतना क्लियर है। इसके अलावा मजीद हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, लाइक npm i हमने मंगूज कर लिया, एक्सप्रेस मंगूज नोडमोन कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए, चलो कोड्स पे बाद में आते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन हमारी, रिएक्ट क्लाइंट ओपन विद कोड, और सेस बस बहुत है, सोर्स इंडेक्स खत्म करते हैं, लोगो खत्म करते हैं, एप डॉट सी एस एस की जगह scss, एप डॉट js में scss, इंडेक्स में से इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे फोल्डर बना लें scss, इसके अंदर एक न्यू फाइल bootstrap.scss, इसको इंपोर्ट कर लें, bootstrap में इंपोर्ट modules, bootstrap scss, bootstrap.scss, और इसको आपको कर दें ताकि ये नोड मॉड्यूल से ही डायरेक्ट कट कर लें। प्राइमरी कलर चेंज करने के लिए डॉलर प्राइमरी #1d7, अब क्या होगा, प्राइमरी कलर इसका ये बन जाएगा। app.js में bootstrap, dist.js, bootstrap.bundle,
cls npm start टाइटल लिखकर इसका चेंज करना है तो किसमें इसमें यहाँ से तो वो ऑटोमेटिकली कर लेगा ना, ये js की फाइल है तो js में तो हम डायरेक्टली लाइब्रेरीज को कर लेते हैं तो वो नोड मॉड्यूल से ही गेट करता है, scss में इशू करता है तो इस वजह से हम इसको ये बताते हैं तो js में वो डायरेक्ट करते हैं। ओके div लास्ट नेम py5 कह दें तो कंटेनर रो कॉलम कॉलम के अंदर h1 रो टेक्स्ट सेंटर एट टूडू कॉलम डैश 12 डॉट कॉलम डैश md6 md3 इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर टाइटल नेम भी टाइटल क्लास नेम ऑन कंट्रोल ऑन चेंज में हैंडल चेंज। चलिए बजाय इसके के आप लोग इसको यहाँ पे करें, एक फोल्डर बना लें पेजेस और इसमें बना लें ऐड डॉट जे एस आर एफ सी ऐड ऐड इसको ख़त्म कर दें। और यहां पर आप लोग सिर्फ सिर्फ इसको इंपोर्ट कर लें। ओके यूज स्टेट फंक्शन का नेम कॉन्स्ट हैंडल चेंज कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट और ये आपका इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट आपके पास टाइटल लोकेशन डिस्क्रिप्शन सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट और आपके पास नेम वैल्यू नेम और वैल्यू आपको इसमें से मिल जाएगी ये डॉट टारगेट। हैंडल सबमिट सीएलओ स्टेट
on submit, handle submit, location, location, और आपके पास text area, description, सेव किया और आपके पास एड टू डू कंटेनर शो अच्छा जी ये आपका फॉर्म बाहर आएगा जो हमेशा उसमें आता है टाइटल लोकेशन डिस्क्रिप्शन और कॉलम ये आपका इस तरह ही जे आपके पास बटन ऐड टू maximum width टाइटल लोकेशन डिस्क्रिप्शन एड टू डू करें तो आपके पास डेटा आना चाहिए हैंडल सबमिट में ई मिलेगा आपको ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एड टू डू और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन लोकेशन टाइटल डेटा है अब हमने इसको भेजना है अपनी डेटाबेस में तो डेटाबेस में भेजने के लिए आपके पास सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए कि आपने अपने सर्वर से कम्युनिकेट करना है उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए npm फाइल वैसे आप जावास्क्रिप्ट अपना भी एक है फेच ए फंक्शन है
उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन XJS सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके जी, XJS को कर लें इम्पोर्ट, इम्पोर्ट XJS फ्रॉम XJS और हैंडल CS डॉट पोस्ट। पोस्ट जो आपने करना है वो आप सबसे पहले उसको बताएंगे कहाँ पे भेजना है आपने। तो हमारे केस में क्या है, HTTP लोकल होस्ट 8000 फॉरवर्ड स्लैश, बस ये रूट आपका। अभी इसमें से ये भेज देते हैं, और सेकंड में आपके पास आपने भेजना है डाटा। तो डाटा आपके पास क्या है, स्टेट। उसके बाद डॉट देन, देन में आपको रिस्पांस मिलेगा जो भी आप वहां से भेज रहे होंगे, clo response डॉट कैच में आपके पास एरर, तो clo एरर। ओके, फाइनली अभी यहीं से रहने दें, सेव करें। और XJS मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट। तो सर्वर में भी आप यहाँ पर ऐप डॉट पोस्ट, पाथ आपके पास क्या, रूट, ठीक हो गया। इसमें आप सिर्फ यही बताएंगे, और उसके बाद आप एक एरो फंक्शन चला लें। इसमें आपको फर्स्ट में रिक्वेस्ट और सेकंड में रिस्पांस, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट। आप लोग जो भी डाटा भेज रहे होंगे वो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिल जाएगा, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी। और रिस्पांस डॉट सेंड, ये डाटा आपको क्लाइंट में मिलेगा जहाँ से आप भेज रहे होंगे, और वो डाटा आपको वहाँ पे मिले। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं सेंड, क्या करो डेटा रिसीव। ओके, सेव, ये रिस्पांस। नहीं नहीं, ये सर्वर रिस्पांस भेजेगा, ये सर्वर का ही मिल रहा है इसको। सर्वर में आपने एरो फंक्शन बनाया, उसमें रिक्वेस्ट में आपको जो चीज़ें वहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में चीज़ मिलेगी जो आप वहाँ पे भेज रहे हैं, क्लाइंट से भेज रहे हैं, क्लाइंट से भेज रहे हैं वो आपको सर्वर में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। और सर्वर से आप क्लाइंट में जो चीज़ भेजेंगे वो आप रिस्पांस डॉट सेंड में जो भी भेजेंगे ये चीज़ आपको क्लाइंट में मिल जाएगी। सेव कर लिया, कोई ओके, सर्वर चल रहे हैं, क्लाइंट नहीं चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, हम ENV में इसको सेट करते हैं बाद में। ओके, अभी आप लोग फिल ऑल इनपुट्स एड टू डू करेंगे तो आपको एरर आना चाहिए, एड टू डू, तो आपके पास एरर आ गया, एरर आया कोर्स का, ठीक है। कोर्स क्या होता है, कोर्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इज अ ब्राउजर मैकेनिज्म विच इनेबल्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ अ गिवन डोमेन। मतलब ये दोनों डोमेन चेंज है, एक डोमेन से दूसरी डोमेन में अगर आपने डाटा भेजना या रिसीव करना है तो फिर आपको कोर्स इनेबल करना पड़ता है। आप उसको बताते हैं कि ये मैं इनेबल कर रहा हूँ, मैं जो आप चीज़ शेयर कर रहे हैं मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ, मैंने इनेबल किया हुआ, तो फिर आप डाटा रिसीव या सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो कोर्स के लिए सर्वर में आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें npmi कोर्स, तो ये कोर्स लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। अब आपने क्या करना है, const कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कर लें कोर्स, और कोर्स को यूज़ करने के लिए ऐप, हम अपने ऐप में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐप डॉट यूज़ करो, यूज़ क्या करना है, कोर्स
तो कोड्स को यूज़ कर लें, सेव करें और अब दोबारा डाटा भेजें ऐड टू डू। तो ये देखें स्टेट से डाटा, ये स्टेट का डाटा और डाटा वहाँ पे सेंड हुआ और वहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया, रिस्पॉन्स डॉट डाटा में डाटा रिसीव्ड। और डाटा मिला क्या है ये आपको सर्वर में पता लगेगा, टर्मिनल नोड ओके बॉडी अनडिफाइंड आपके पास आ रही, बॉडी में डाटा नहीं मिला आपको। अच्छा क्यों नहीं मिला, यहाँ पर हम इसको बताते हैं जी जेसन क्या कोड होगा उसका, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन इस तरह ओके जी ऐसे ही जी कमर भाई ओके ऐड टू डू और सर्वर में आपके पास टर्मिनल। तो जैसे आपने जेसन को यूज करना शुरू किया तो वो डाटा आपके पास आने लग गया एज अ जेसन, ठीक हो गया। तो इतने कोड की मदद से हमारे पास डाटा आ गया और कहाँ पे थ्री थाउजेंड पे नहीं करेगा क्योंकि 3000 पे आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन चल रही है, आप पाथ गलत दे रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल, या फिर HTTPS लगा रहे होंगे HTTP, वो तो फिर कोड देख के पता लगेगा, ऐसे तो फिर ताना मुश्किल, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा होगा जारी सी बात है। उस किधर से नहीं यहां से ये वाला इसका तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो आपने इसको चलाने नहीं है, आपका देखे ना हम यहाँ पे चला भी रहे हैं तो आपको एरर मिल गया, लेकिन अगर आप क्लाइंट से इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो डाटा तो आपको मिल रहा है, काम तो आपका पूरा रहे, हम सर्वर के साथ चलाते ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ये वैसे भी आप अगर यहाँ पे इस टाइम हम कर रहे हैं ऐप डॉट पोस्ट, अगर आप इसको यहाँ पे ऐप डॉट गेट कर दें और आप इसको ना करें, सेव करें और रिफ्रेश, डाटा रिसीव्ड आ गया। तो ये क्योंकि ये गेट मेथड करता है बाय डायरेक्ट और आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं पोस्ट, तो इस वजह से इसका एरर है, कैन नॉट गेट लिखा हुआ आ रहा है कि गेट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो बहरहाल ये आपका ऐप डॉट पोस्ट, वैसे भी ये पोस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं इस जगह पे हमारा चेंज हो जाता है ऐड टू डू, अब आपका राउट क्या बन गया ऐड टू। तो यही चीज़ आप लोग सर्वर में जाके जहाँ पर आप लोग ये लिख रहे भी रूट था, अब आपका क्या हो गया ऐड टू, तो ये लिखना है। और इस चीज़ को वैसे भी हम ऊपर कहीं स्टोर करवा लेते हैं, कॉन्स्ट URL इक्वल टू ये आ गया आपका, वो बाद में करवाते हैं, अभी इनमें भी हमने सेट नहीं किया। लेकिन हम प्लेन टेक्स्ट नहीं ना भेज रहे, हम जेसन भेज रहे हैं और डाटा हम ऑब्जेक्ट वगैरह ही भेज रहे होते हैं तो वो तो जेसन ही डाटा होगा, जेसन जी। ओके URL ऐड टू सेव करें और इसको आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लें, फिल ऑल इनपुट्स ऐड टू डू, तो डाटा सेंड हो गया, वहाँ से हमें डाटा मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया कि डाटा रिसीव, और सर्वर में भी आपके पास डाटा आ रहा होगा। तो ये देखें ये आपके पास न्यू डाटा, ये हमारे पास पुराना डाटा था और ये आपके पास न्यू डाटा आ रहा है जी। क्लियर है इतना, कोई सवाल हो किसी का अब तक?
बाकी इसके बाद हम मोंगो डीबी वगैरह कनेक्ट करते हैं जी जी। नहीं नहीं वहाँ पे पोस्ट करें, यहाँ पे भी पोस्ट। अगर आप यहाँ पे गेट चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आप गेट चला रहे होंगे जी। इतना क्लियर है? चले बाकी नमाज की बात करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, आपके पास ऐड टू डू राउट बन गया, उसमें आपको बॉडी में डाटा मिल रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे टू डू का डाटा भेज रहे हैं, टू डू का डाटा स्टेट कॉन्स्ट की जगह लेट आपके पास क्या है टाइटल लोकेशन डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिल रहा है स्टेट से। इफ टाइटल डॉट लेंथ लेस देन तो रिटर्न कर दें अलर्ट प्लीज एंटर टाइटल और इसकी जगह लोकेशन डिस्क्रिप्शन लेट डाटा इक्वल टू या फिर डाटा की जगह टू डू कहते हैं, टू डू आपका आ गया टाइटल लोकेशन डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे टाइटल इक्वल टू टाइटल डॉट ट्रिम है इसमें वो ऑटोमेटिकली खुद से ही जनरेट कर रहा होता है। ठीक हो गया, आईडी वो हो जाएगी आपकी और आपके पास टू डू डॉट स्टेटस। अच्छा, उसको फिर करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटस आपका एक्टिव डेट क्रिएटेड डॉट गेट टाइम कर लें। मगर ये वैसे हम खुद से ही कर रहे हैं, मीन्स के सर्वर वगैरह के साथ नहीं, लोकली आपके टाइम को कर देगा। उसके बाद आप जो डाटा जो है यहाँ पे टू डू भेज दें तो ये चीज़ आपकी उसके बाद सर्वर में जाके रिक्वेस्ट लेट टू डू इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट में से ही बॉडी हम निकाल रहे थे तो ये आपके पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अब आपके पास ये टू डू आ रहा होगा। यहाँ से डाटा भेज के देख लेते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लें। फिल ऑल इनपुट्स एड टू डू रिस्पॉन्स डाटा रिसीव्ड तो यहाँ पे भी आपके पास तो ये देखें टू डू में टाइटल लोकेशन डिस्क्रिप्शन स्टेटस और डेट क्रिएटेड आ गया। अच्छा, अब इसको मोंगो डीबी में हमारी जो डेटाबेस बनी है उससे सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके पास दोबारा से यहाँ पे और ओवरव्यू कनेक्ट पहले हमने किससे किया था, कंपास के जरिए। अब हमने अगर अपनी एप्लीकेशन के साथ करना है तो आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्राइवर्स नोड जे एस है और ये आपके पास सिंपल इसको कॉपी कर ले और आपके पास यहाँ पर
जी मंगूज आगे आपके पास कॉन्स्ट और इसको आप लोग कहेंगे कनेक्ट प्लेट का ट्रेस स्लो हो गया थोड़ा लेट यूआरएल हमने डाटा जो हमारे पास मिला था उसको हम यहाँ पे हमने मोंगो यूआरएल में स्टोर करवा लिया और मैर और यहाँ पर आपके पास पासवर्ड 123 क्वेश्चन मार्क से पहले आप लोगों ने उसका नेम बताना है जो आपने डाटाबेस क्रिएट की थी। तो डाटाबेस आपकी थी टू डू डाटाबेस की कलेक्शन का नेम टू डू सर। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने मोंगो यूआरएल तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया मोंगोज डॉट कनेक्ट, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस डेटाबेस में हमने क्या करना है, यहाँ पर मॉडल्स बनाए जाते हैं तो यहाँ पर आप एक फोल्डर बना लें मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर आपके पास टूडूस डॉट जे एस, अगर आप लोगों ने टूडूस ऐड करवाने हैं यहाँ पे नेम कोई भी हो सकता है तो वायरल टूडूस। इसमें आप लोग स्कैमा बनाते हैं कि क्लाइंट से डाटा क्या क्या आएगा और आपने मोंगो डीबी में क्या क्या स्टोर करवाना है वो हम पहले से डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन किया जाता है तो स्कैमा हमारे पास ये बना पड़ा है, हम इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कॉन्स्ट मंगूस, मंगूस रिक्वायर हो गया कॉन्स्ट, यहाँ पे ये यूज़र लिखा हुआ है तो यूज़र की जगह हम सिंपल टू डू स्कैमा न्यू मंगूस डॉट स्कैमा, उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेना है, तो सबसे पहले टाइटल है उसकी टाइप क्या होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू है मीन्स के डाटा ये लाजमी आना चाहिए, आएगा तो डाटा आपका स्टोर होगा अदरवाइज वो एरर दे देगा। और उसी तरह आपके पास लोकेशन और आपके पास डिस्क्रिप्शन। ओके, कॉन्स्ट आपके पास टू डू मॉडल मंगूज डॉट मॉडल, इसमें आपके पास डेटाबेस कौन कलेक्शन नेम क्या है टू डूज, तो इसमें आप लोग तो कह देंगे टू डू स्कैमा। ये टू डू स्कैमा जो स्टोर होगा किसमें होगा टू डूज कलेक्शन में, और इसी मॉड्यूल को आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग इसको इंपोर्ट कर सकते होंगे यहाँ पे। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल कॉन्स्ट के पास टू डू मॉडल, मॉडल्स में आपके पास टू डू। ओके, ऐड टू डू, ऐड की बजाय बेशक आप लोग राउट का नेम क्रिएट टू डू रखते हैं तो ये आपका कंप्लीट क्रेड के तौर पे फिर हमारा काम आ जाएगा। क्रिएट टू डू और यहाँ से ही कोड उठा लें const to do। अब ये await का आपको error दे रहा है, ये क्यों दे रहा है sync, तो यहाँ पर आपके पास sync synchronize हो गया to do request.body new आपके पास to do और to do। Okay, new to do, एक न्यू टू डू हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू टू डू मॉडल, ये जो टू डू मॉडल हमने बनाया था स्कैमा उसमें हम पास क्या कर रहे हैं
टू डू जो भी हमारा डाटा है, और इसमें यही डाटा, ठीक है। अच्छा, वहाँ से हम मज़ीद कुछ और भी डाटा ले रहे हैं, जैसे कि स्टेटस और डेट क्रिएटेड टेम्परेरी, इसको भी आप कमेंट कर दें, इसको बाद में देखते हैं। और हमने राउट का नेम क्या रख दिया, क्रिएट। ओके, टू डू जो भी डाटा आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, वो स्टोर करवा रहे हैं टू डू में, एक न्यू टू डू बना रहे हैं उसी स्कैमा को यूज़ करके। और अवेट में हम क्या कह रहे हैं कि न्यू टू डू को क्या कर दो, सेव कर दो। तो इसको आप लोग उसके अंदर भी ले सकते हैं, ट्राई कैच एरर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एरर। इसमें यूजर, चलो यूजर ही, अच्छा यूजर वैसे है नहीं कुछ, ये सारी चीजें आपकी ओके, सर्वर इज रनिंग परफेक्टली, क्रिएट टू डू और आपके पास ओके, इसको क्लोज कर दें, रिएक्ट ऐप इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, फिल ऑल इनपुट्स, डाटा आपके पास, ऐड टू डू ओके, रिस्पॉन्स स्टेटस 200 स्टेटस टेक्स्ट ओके जी। तो ये आपने जो भी डाटा भेजा था वही डाटा हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास मज़ीद डाटा आ जाना चाहिए। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं डेटाबेस को, जी हर किसी का न्यू एक स्कैमा बन रहा होगा। फाइंड के नीचे ओके जी, ये आपके पास डाटा आ गया, टाइटल लोकेशन और डिस्क्रिप्शन जो भी आपने भेजी थी। तो यहाँ पे मज़ीद डाटा अगर भेजना है तो टाइटल को कह दें सिलानी लर्निंग डेवलपमेंट अकॉर्डिंग एड टू डू डेटा सेंड हो गया और यहाँ पर आपके पास डेटा आ जाना चाहिए। तो ये आपके पास डेटा आ गया न्यू, ठीक है। तो ये आपका डेटा क्रिएट हो गया, इसी को अगर आप लोग अब रीड करना है जी, हमने कमेंट कर दिया था क्योंकि स्कैमा में हमने ऐड नहीं किया था, स्कैमा में अगर ऐड करेंगे तो फिर वो आएगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। अच्छा जी, अब आपके पास अगर डाटा को रीड करना है तो रीड हम फिर किस में कर रहे होते हैं जी, कौन सा हुक होता है जी, नहीं हुक कौन सा यूज होता है, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट CS डॉट गेट, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने जो भी गेट करना है गेट करेंगे, उसी तरह ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपके पास गेट रीड टू डूज सी और ये आपका आर हो गया जी। इसमें आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स
users app dot post create हो गया, app dot get read to do request और response, यूजर मॉडल की जगह आपका आ जाएगा टू डू मॉडल, उस मॉडल में फाइंड करो, ब्लैंक का मतलब होता है सारे ही, एरर रिजल्ट, अगर तो एरर नहीं है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें क्या भेज दो रिजल्ट, अदरवाइज रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एरर। यहां पर आपके पास आ जाएगा get response, अच्छा जी dot then then में आपको response और clo response catch में फील्ड एप डॉट गेट रीड टू डूज एक्सएस डॉट गेट यू आर एल रीड टू डूज model dot find no longer accepts a callback okay ji model dot find ye new cheez aa gayi hai model dot find wait my model dot find sync const todo equal to await todo send me todos clo todos todos इसको आप लोग आरएस कह दें और इसे कमेंट करते हैं कर लें जी। तो ये आपके पास अब फाइंड मेथड टू डूज जो भी मिले आपको रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के अंदर डाटा, डाटा में वही तीनों चीज़ें आपको मिल गई। तो क्लाइंट में जाके अच्छा यहाँ से आप लोग इसको ख़त्म कर दें।
पुराना मेथड था, ये न्यू मेथड आ गया और इजी आ गया। रीड टू डू रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में आपको डेटा मिलता है। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स सी एल ओ डेटा, इसमें आपके पास एरे होगी। ओके जी, इसको आप लोग सेव, तो ये आपके पास डाटा आ गया और ये तीन डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके पास। और आईडी, इसमें अंडरस्कोर आईडी की मदद से हम आईडी को गेट कर रहे होते हैं। जी कोई सवाल किसी का, एनीवन? हाँ जी सादो इधर, हाँ जी क्लियर है आप लोग? स्कैमा में बताया जाता है कि पहले से आप लोगों ने ये डाटा ही आ सकता है और इसी को आप लोग ऐड करवा सकते हैं जी। अगर तो नहीं बताएंगे तो डाटा तो आपका ऐड होना ही नहीं है उसके बगैर, ठीक है। MongoDB में ये वे है कि आप लोगों ने इसको पहले से बताना होता है। जी तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपकी मंगूज वगैरह, इसमें मज़ीद चीज़ें रह गई आपकी ENV की फाइल्स वगैरह, कि डाटा आपका सिक्योर किस तरह रहे। तो ENV फाइल के लिए भी हमें इसमें पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो वो फिर हम इंशाल्लाह कल ही करेंगे। बाकी क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट और डिलीट हम फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। जी कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो ठीक है। जज़ाकुल्लाह खैरा।